मैं क्या करता हूँ कई बार कि मैंने जो पेंटिंग कलेक्शन कर रखा है तो थोड़ा, जैसे मैं यहाँ पे आया तो सर ने यहाँ पे ये चेयर भी लगा रखी है और अपने कलर भी रखे हैं, स्टैंड भी रखा हुआ है। मैं पहले से ही लगातार मैं कोशिश करता हूँ कुछ सीखने की। नहीं तो इस समय मैं हूँ शांति विहार में और आज संडे है। हम सोचते थे कि हम पहाड़ में रह रहे हैं, यहाँ तो पहाड़ के भी पहाड़ है। पेंटिंग में एक चीज झलक रहा है कि सर का प्रकृति के पहाड़ों और मंदिरों से काफी लगाव है। पहले कैनवस भी अपने आप बनानी पड़ती थी, लकड़ी का फ्रेम बनाना पड़ता था। इसके बारे में पूछता हूँ सर, ये इतनी रियलिस्टिक कैसे लग रही है? और इसमें क्योंकि ये तेलीय कलर है तो तेलीय में कलर में आदमी को बहुत टाइम मिलता है उसको बनाने का। उसमें तो आशा है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वहाँ से पानी निकल रहा है, बड़े बड़े पत्थर है और पानी का जो कलर है इतना साफ सुथरा। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देहरादून के शांति विहार क्षेत्र से। तो इस समय मैं हूँ शांति विहार में और आज संडे है तो मैं जा रहा हूँ, हमारे सर हैं महावीर जी तो उनके घर जा रहा हूँ और आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दिखाते हैं आपको शांति विहार। तो ये है देहरादून का शांति विहार क्षेत्र। जो ये घर है ये है महावीर जी का घर और आप देख सकते हैं घर कितना सुंदर लग रहा है। और इस समय मैं जा रहा हूँ उनके घर और आज है संडे तो संडे में छुट्टी है तो आज चल रहे हैं सर जी के घर। तो महावीर सर को देते हैं सरप्राइज। गेट लगा हुआ है अंदर तो मैं, तो ये हैं हमारे सर महावीर नोटियाल जी। नमस्कार सर, देख सकते हैं आप इनका घर कितना सुंदर लग रहा है बाहर से। और अब चलते हैं अंदर। चलो, और तो जैसे इनके ड्राइंग रूम में पहुंचे हम तो आप देख सकते हैं सर कला के टीचर हैं और यहाँ पूरी एग्जीबिशन लगा रखी है सर ने। बैठे सर, बैठे। तो बधाई है सर आपको पहले तो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छी जगह पे आपने घर बना रखा है। बस सर ऐसे ही बस। ये जो आज आपने अपनी ये पेंटिंग, बस संडे है सर आज ना, तो मैं क्या करता हूँ कई बार कि मैंने जो पेंटिंग कलेक्शन कर रखा है तो थोड़ा सा इनको, थोड़ा मैंने कुछ देर पहले धूप में भी रखी थी पेंटिंग तो बहुत समय से रखे रखे खराब हो जाती है। और क्योंकि बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि मैंने जो एक अलमारी इसके लिए बना रखी अंदर कमरे में सारी वहाँ पे मैंने रखी हुई है। अच्छा। और उसके बाद आज मैं आया तो मैं देखा, मुझे लग रहा था कुछ कुछ पेंटिंग में थोड़ा सा हल्का वैसा सिलन जैसी आ गई थी, मॉइस्चर लग रहा है। तो मैंने आज थोड़ी देर पहले धूप थी तो मैंने सारी पेंटिंग बाहर रख दी है। अच्छा। और अब मैं थोड़ी देर अंदर रखता हूँ इसको, फिर सूख जाएंगी तो फिर इसको फिर अंदर रखता हूँ। तो मैं कभी छुट्टियों में बनाते रहता हूँ, जैसे किसी संडे सैटरडे में या गर्मियों की छुट्टी पड़ गई या जाड़ों की छुट्टी पड़ गई तो इन छुट्टियों में थोड़ा बहुत मैं बनाता हूँ, तो 5-7 पेंटिंग बना देता हूँ। तो सर जैसे कि कई लोगों को परिचय भी होगा सर से, सर भवानी इंटर कॉलेज में सर। हाँ। सर कह रहे हैं कि वो समय का सदुपयोग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जब भी इनको टाइम मिलता है या छुट्टी होती है तो सर घूमने भी कम ही जाते हैं। आप नहीं घूमता हूँ मैं घूमते तो भवानी में ऊपर यहाँ आके मेरे ख्याल से ड्राइंग। जब मैं देर में आता हूँ तो देर में मुझे ज्यादा मार्केट में जाना पसंद नहीं है, मैं घर में रहता हूँ, अंदर ही रहता हूँ। और उसके बाद जो है अगर 2-3-4 दिन छुट्टी मिल गई तो मेरा जो सामान होता है पेंटिंग का तो इसको मैं हमेशा गाड़ी में ही रखता हूँ और मैं ले चलता हूँ फिर अपने साथी देहरादून। और फिर जाऊँगा भवान में भी, अगर मुझे देखता हूँ कि कोई छुट्टी पड़ गई या मौसम खराब हो गया तो बैठ के एक आध पेंटिंग बना लेता हूँ। और मुझे शौक है, पहले से बचपन से ही शौक है और मैं पहले से ही लगातार मैं कोशिश करता हूँ कुछ सीखने की। नहीं और बस उसी का परिणाम है कि छोटी मोटी पेंटिंग मैं बना लेता हूँ। और आप देख सकते हैं सर, जैसे मैं यहाँ पे आया तो सर ने यहाँ पे ये चेयर भी लगा रखी है और अपने कलर भी रखे हैं, स्टैंड भी रखा हुआ है, यानी इसका मतलब अभी भी काम कर रहे थे। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले पेंटिंग थी, इसको थोड़ा सा रह गई है इसमें फिनिशिंग करने की, तो मैं सोच रहा था कि सर फिनिशिंग फिर आप आ गए तो बहुत अच्छी बात है, मिल ले है ना। तो हम रोज ही साथ रहते हैं तो आज संडे के दिन भी आप हमारे साथ आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, मैंने कहा आज आपके यहाँ सरप्राइज दिया जाए आपको। हाँ, सर आपने फोन भी नहीं किया जी, चलो अच्छा लगा, फिर भी बहुत बढ़िया। तो एक ही छवि थी कि आपका घर देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज घर भी देख लिया और साथ ही ये भी पता लग गया सर की छुट्टियों में क्या क्या काम करते हैं। तो क्योंकि ये तो कुछ ज्यादातर पेंटिंग एक्रेलिक कलर की है सर ये, और ऑयल कलर की पेंटिंग में थोड़ा सा ज्यादा नमी आती है, एक्रेलिक वाली थोड़ी जल्दी सूख जाती है। अच्छा। तो ये है, और ज्यादा मैं वैसे ऐसा भी नहीं कि हम लोग व्यवसाय कलाकार हो, जितना भी हमसे बन सकता है अपना पैशन शौक के लिए करते हैं। और बस शौक से ही हमारे पास 40-50 पेंटिंग का एक कलर मेरे पास हो गया, उस मैंने अंदर अभी भी रखी हुई है
और प्रत्येक रूम में भी मैंने लगा रखी है, जहाँ जहाँ मेरे को जगह मिलती है मैं रख देता हूँ पेंटिंग। जैसे कि आप जानते हैं जब भी कोई व्यक्ति अपने शौक पैशन से कोई काम करता है तो वो उसके काम में वो चीज़ें झलकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पे ये पेंटिंग्स जो हैं कितनी सुंदर लग रही हैं और सर ने कितनी तन्मयता से ये पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे थोड़ा पहाड़ों से लगा हुआ है। आपने देखा कि हम गांव में भी इसीलिए जाते हैं कि हमें जो पहाड़ हैं और वहाँ की संस्कृति है और वहाँ के मंदिर हैं, मंदिरों से मुझे बहुत लगाव है और बहुत प्रेरणा देते हैं वो मंदिर, बहुत शांति मिलती है। तो मैंने, आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये बद्रीनाथ की बना रखी पेंटिंग है ना, सामने ये बद्रीनाथ की पेंटिंग है और सामने केदारनाथ की है, सुकंडा देवी आप देख सकते हैं, नजदीक से देख सकते हैं। और ये हमने गंगोत्री की बना रखी है पेंटिंग, ये माँ भवानी का मंदिर है, यहाँ मंदिर है। और मैं निरंतर ही कोशिश करूँ कि जो मुझे टेम्पल अच्छे लगते हैं मैं उनको बनाऊँगा और धीरे धीरे जितना भी मेरे से हो पाएगा। ये आप इस देख रहे हैं, ये गंगोत्री का ये सूर्यकुंड है और ये सूर्यकुंड, ये बहुत झरना, अभी भी ये मैंने 20-25 साल पहले फोटो खींची थी और अब मैंने इसके आगे पेंटिंग बनाई, तो अब ये ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कट गया ये पानी से, तो इतना सुंदर अब नहीं, इतना 25-30 साल पहले था ये। अच्छा, तो ये इसको सूर्यकुंड बोलते हैं, गंगोत्री में बिल्कुल मार्केट के अंदर ही है जहाँ पे गंगा जी बहुत बड़े पहाड़ से नीचे गिर रही है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी मुझे अच्छा लगता है प्राकृतिक दृश्य, जहाँ पर भी मुझे अच्छा लगता है मैं फोटो भी, मुझे खींचना पहले से ही पसंद है। और अब पेंटिंग बनाने में तो ये होता है कि एक बार पेंटिंग बन गई तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, फोटो की लाइफ इतनी नहीं होती है। अभी पेंटिंग बन गई तो अगर इनको थोड़ा सा नमी से बचाया जाए तो ये पेंटिंग 100 साल तक कहीं जाती है। कैनवस पे बनी हुई सारी पेंटिंग, कैनवस पे बनी हुई। तो किसी जमाने में जब फोटोग्राफर नहीं थी या फोटो नहीं खींची जाती थी तो जो हमारे राजा महाराजा होते थे इसी तरीके से वो अपनी वो, अब तो ये कि चलो फोटो खींच के आप पेंटिंग बना सकते हैं, पहले था कि उस व्यक्ति को तो देर बैठना भी पड़ता था, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी, अगर उसको पोर्ट्रेट बनाना है तो उसको बैठाना पड़ता था। इस तरीके से बनती, इस तरीके से बनती थी। अब थोड़ा सुविधाएं ज्यादा हो गई है, फैसिलिटी है, कलर मिल जाते हैं आसानी से, कैनवस बनाई मिल जाती, पहले कैनवस भी अपने आप बनानी पड़ती थी, लकड़ी का फ्रेम बनाना पड़ता था, उसमें कैनवस कसना पड़ता था। अब हम ज़्यादातर मैं बन बनाई रेडीमेड कैनवस लाता हूँ, उसमें ऐसे ही जो मैंने अपने आप हाथ से कैनवस खींच के बनाई उसमें, तो ये है कि इसमें थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो अब हमारी जॉब में तो इतना टाइम मिलता है, लेकिन स्कूल में भी हम बच्चों को प्रेरित करते हैं इस काम के लिए, लेकिन बच्चे अपनी अपनी च्वाइस होती है, सभी बच्चे आर्टिस्ट नहीं हो सकते, सभी संगीतकार नहीं हो सकते, है ना, कुछ अलग अलग दिशा में बच्चों के, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको हम प्रेरित करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये जब अपने स्कूलों में प्रेरित किया तो आज बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ कला टीचर है, बहुत सारे हैं। भगवान में नेगी जी थे जी। वो हमारे साथ जो है प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उनके लड़का वो दीवार पे बना रहता था, तो मैंने नेगी जी से कहा भाई इसको ड्राइंग सब्जेक्ट दिलाओ आगे, तो नेगी जी का लड़का जो है समय कला टीचर है, यार इसके पास में मुनिगी जी से थोड़ा आगे है ना, तो ऐसे मेरा छोटा भाई भी है ना। अच्छा। और बहुत सारे लोग और भी हैं। आपके भाई भी हैं कला टीचर? मेरा भाई है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, मेरे से भी अच्छी बना देता है। ये आप भी बहुत अच्छी बना रखी हैं। वो भी करता है, उनकी वाइफ भी कला टीचर है, तो सब हम लोगों से ही प्रेरित होकर के उन्होंने सीखा है ना, थोड़ा घर में माहौल थोड़ा सा जैसे माहौल हो गया, आप घर के बड़े हैं तो आप इस क्षेत्र में हैं तो आपको देख के थोड़ा सा, फिर ये है कि हमने कहा जिस काम को करते हैं थोड़ा मन लगा के करो, और उसके बाद जो है जैसे हम आजकल आपके साथ गाँव में जाते हैं, जब संडे सैटरडे चले गए तो आजकल थोड़ा सा हम इस काम से हटे हुए हैं, लेकिन जैसे भी कोई टाइम मिलता है तो हम कर लेते हैं फिर से शुरू, और वो शौक में अगर हमें इच्छा तो कई बार देखिए कहीं पर भी बैठ के हम अपना ये सामान लाया रूई पर बनाना शुरू कर दे, जब हम पहाड़ों के सुंदर दृश्य देखते हैं, हिमालय देखते हैं, बर्फ पड़ रही है ऊपर से है ना, और हिमालय का चित्र देखते हैं, तो सामने हमने एक चित्र बना रखा है, ये सामने बहुत अच्छा ही है, आप देख रहे हैं ये वाला, हाँ, मौसम जैसे पहाड़ों में होता है, तो ऐसे ही इच्छा होती है, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है सारा सामान जुटाने के लिए, फटाफट करने के लिए, फोटो नहीं कि आपने क्लिक कर दिया और खींचिए फोटो, बिल्कुल इनमें टाइम लगता है कम से कम इसमें 4-5 घंटे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने जितनी भी यहाँ पे सर ने पेंटिंग की है, इन पेंटिंग में एक चीज झलक रहा है कि सर का प्रकृति के पहाड़ों और मंदिरों से काफी लगाव है, तो ये इनकी पेंटिंग में ये सब चीजें झलकती हैं, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने सारी ये यहाँ पे पेंटिंग की है। जैसे ये गांव है ना पहाड़ का जी, ये वाला गांव, तो ये गांव जो है किसी ने फेसबुक पे फोटो डाली थी, ये जम्मू कश्मीर साइड का गांव है, पठाल वाले मकान है इसमें, तो ऐसे ही मिलता जुलता हमारा गांव भी, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने वो फोटो फेसबुक से ये बना दी है पेंटिंग, ये वाली सामने वाली। और पिछली बार जौनपुर महोत्सव हुआ था तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत एग्जीबिशन जिसमें से कुछ फोटो भी वहाँ पर लगाई। अच्छा, आपने एग्जीबिशन लगाई थी? हाँ, थथुड़ में लगाई थी, और उन लोगों ने वहाँ की जो जौनपुर महोत्सव समिति है उन्होंने मुझे पुरस्कार भी प्रदान किया, उसका उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पर जो है ये यहाँ उत्तराखंड सरकार के जो वित्त मंत्री वो प्रेमचंद अग्रवाल जी, तो उनके द्वारा भी थोड़ा सा उन्होंने भी मान सम्मान किया हमारा, तो जब किसी के काम को थोड़ा सा कोई उत्साह प्रदान करता तो अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है श्री बद्रीनाथ धाम की
पेंटिंग जो कि महावीर सर ने की है, तो यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग की, और ये वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही है भगवान केदारनाथ की, काफ़ी अच्छी यहाँ पे सर ने पेंटिंग की है, बिल्कुल रियलिस्टिक ऐसा लग रही है कि फ़ोटो खींची हो जैसे। और इसके अलावा ये हिमालय के पहाड़, साथ ही यहाँ पे ये हमारा सुरकंडा देवी टेम्पल, और ये पहाड़ का जो व्यू है उसकी एक ड्राइंग की है सर ने। और ये वाली ड्राइंग जब मैं आ रहा था तो सर ये वाली बना रहे थे यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा उन्होंने सामान रखा हुआ है, चेयर भी लगी हुई, तो सर अपनी ड्राइंग में व्यस्त थे। तो जैसे उन्होंने गेट की आवाज़ सुनी तो बाहर आ गए। और एक यहाँ पे की है, ये है हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के घर होते हैं पठाल वाले घर, वो उसकी यहाँ पे एक ड्राइंग की हुई है। इसके अलावा जहाँ हम रहते हैं भवान में, ये है माँ भवानी देवी का सुंदर सा टेम्पल जिसकी यहाँ पे ड्राइंग की है सर ने। और यहाँ पे एक प्रकृति का एक चित्रण किया है यहाँ पे सर ने, और साथ ही यहाँ पे भी ये बर्फ की पहाड़ियाँ। ये है गंगोत्री धाम की पेंटिंग, तो और इसके पीछे भी एक काफ़ी खूबसूरत जो सीनरी है देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अभी दिखाएंगे आपको और भी जो सर ने बनाई हुई है, और जितनी भी यहाँ पे पेंटिंग की है सर ने, ज़्यादातर इसमें प्रकृति का चित्रण और मंदिर है, क्योंकि ये घूमने के भी काफ़ी शौकीन हैं और पहाड़ों से इनको लगाव है, उनका वो लगाव उनकी पेंटिंग में भी दिखता है। आप सारी ये पेंटिंग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये वाली पेंटिंग, ये काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है सर ने बनाई है, तो ये जब मैं आया था मुझे विश्वास नहीं हुआ सर ने कि ये पेंटिंग बनाई है, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने बनाई है। और इसके बारे में पूछता हूँ सर, ये इतनी रियलिस्टिक कैसे लग रही है? और यहाँ पे भी एक ये देख सकते हैं आप, तो ये वाली ऐसी लग रही है एकदम से रियलिस्टिक जैसे फोटो खींची हो। तो ये है गंगोत्री का सूरज कुंड। कितने साल पहले था ऐसा सर? अब तब में अंतर आ गया, 25 साल पहले। हाँ बिल्कुल अंतर आया सर इसका। अच्छा, ये पत्थर बहुत ज्यादा इसमें गंगा जी ने इसे ना लगातार पानी गिरने से घिस गया पत्थर। अच्छा। तो अब इतना मतलब इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता वो, अब मतलब अब ऐसा नहीं दिखेगा, एकदम इतना बड़ा झरना दिखता है। अब झरना थोड़ा अंदर चला गया झरना, अच्छा। तो दिखता तो है लेकिन इतना सुंदर नहीं दिखता था हमने 25 साल पहले ये फोटो। अच्छा सर, एक चीज और कह रहा था मैं, जैसे ये ड्राइंग है ना, ये ऊपर आपने लगाई है ये वाली और वो सामने, इन इनकी मतलब मुझे ज्यादा फिनिशिंग लग रही, इसका क्या कारण? इसका कारण ये सर कि ये जो है ना, ये ऑयल कलर से बने हुए हैं और ये एक्रेलिक कलर से बने हुए हैं, तो एक्रेलिक कलर में क्या होता है फिनिशिंग इतनी जल्दी नहीं आती, इसलिए बहुत मतलब बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। और इसमें क्योंकि ये तेलीय कलर है, तो तेल में कलर में आदमी को बहुत टाइम मिलता है उसको बनाने का, उसमें टाइम भी लगता है। इस एक पेंटिंग को बनाने में कम से कम 4-5 दिन जाते हैं। अच्छा, वो जबकि ये पेंटिंग 4-5 घंटे में बन जाती है। अच्छा, है ना, एक ही दिन में आप समझो एक दिन में आप कंप्लीट कर, लेकिन इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। सूखती, एक दिन तो आप रफ बनाएंगे धूप में रखेंगे और धूप होने से सूख जाएगी, तब इसमें फेयर काम हुआ है इसमें। अच्छा, तो 2 या 3 दिन 4 दिन भी लगाते हैं, है ना, जैसे आपके अंदर उत्साह है। और ये वाले तो हम सुबह शुरू करते हैं और शाम को कंप्लीट कर देते हैं, तो इसलिए इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती है और अंतर है। और आजकल इसी का जमाना है क्योंकि फास्ट का जमाना है, एक्रेलिक कलर का जमाना ये है। किसी बात पर आजकल ये भी हो रहा है कि मतलब आपको टॉपिक चाहिए, आपको फिनिशिंग नहीं चाहिए, फिनिशिंग वाला जमाना गया हो, क्योंकि फोटोग्राफी आ गई है तो फिनिशिंग से कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट क्या है आपके पास, है ना। तो आजकल की अब उसमें सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि उससे कैमरे से जो है फोटोग्राफी आने से फिनिशिंग वाली बात तो कैमरे से ज्यादा आ नहीं सकती, एक से कैमरे आजकल, तो फिनिशिंग तो कैमरे से आ जाएगी, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट क्या है। तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है, हम ज्यादा सोचते हैं कि उत्तराखंड के जो तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, प्राकृतिक सौंदर्य की जगह हैं, पर्यटक स्थल हैं जो छुपे हुए हैं जिनको किसी का पता ही नहीं है, तो उन जगहों पर जाकर के हम ये पेंटिंग करें और उसको बनाएं, फिर वो सामने आए कि भाई ये भी कोई स्थान है। अब इस इतना सुंदर आप स्थान देख रहे हैं, ये जो सूर्यकुंड बना हुआ है ना, ऐसा ऐसा झरना आपको कहाँ मिलेगा। अब ये वो गंगोत्री में भी सड़क से नीचे उतरना पड़ता है इसके लिए, एकदम कोई ऐसा नहीं जाके मिल जाएगा आपको, जिसको पता है वो जाएगा वहाँ पर। तो फिर जैसे हम लोग जो मतलब जिस कला प्रेमी हैं, है ना, प्रकृति प्रेमी है, तो हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पर और देख लेते हैं कि भाई चलो इसको जो है अपने फिलहाल कैमरे में निकालो, घर जाके इसको बना लो। तो अभी फैसिलिटी जब से कैमरा आया, मोबाइल आ गया, कहीं भी आपको अच्छा लग रहा खींच लो और फुर्सत से बना लो, तो ये ज़्यादा सुविधा हो गई है, यानी टेक्नोलॉजी आ गई है कहीं टेक्नोलॉजी का। अच्छा सर, ये पूछ रहा हूँ मैं, अभी आप भवान में कार्यरत कितने साल हो गए? भवान में सर 23 साल हो गए। तो पहले से ही शुरू से ही भवान में पोस्टेड है? नहीं, मैं पहले जौन सरवार में रहा और जौन सरवार में 3 साल वहाँ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सावड़ा ही जगह है चक्रोता के पास, वो भी बहुत प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर जगह थी, तो वहाँ भी मैं 3-4 साल रहा, उसके बाद में भवान आ गया, तो लगभग मेरे 25-26 साल की। तो सर जो ये आपका काम दिख रहे हैं यहाँ पे, तो शुरू से बचपन से ही था कि? बचपन से ड्राइंग में जाने? बचपन से। अच्छा, ऐसा नहीं, भले हम लोग जब पढ़ते थे तो इंटर में ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं होता था कहीं भी, है ना, तो बाद में हमने प्राइवेट इंटर किया, उसके लिए बाद फिर हमने रेगुलर बीए किया,
है ना, फिर बीएड किया, फिर इस प्रकार से हम गवर्नमेंट जॉब में आ गए। तो उसके बाद ये है कि हमारे हमें तो गवर्नमेंट जॉब में हर सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, तो लेकिन ये है कि हमने ड्राइंग को छोड़ा नहीं और अपने शौक़ को हमने जब भी हमें कोशिश मिली, जहाँ पर भी हमें टाइम मिला, हमने ब्रश उठाया और अपना शुरू कर दिया, है ना। तो हमें कोशिश करते हैं कि स्कूल में भी हमने बहुत सारी पेंटिंगें दीवारों पर बनाई, आपने स्कूल में हमारी कई बार फोटो बनाते समय आपको आपने फेसबुक में डाली और प्रचार प्रसार किया उसका, तो वहाँ पर भी हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ है कि ये जो है इसके लिए अगर कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर हम जैसे घर में हम सबसे ज़्यादा हमें अच्छा लगता है कि बैठ के अपना पूरा सामान है, वहाँ एक घंटी है, एक घंटी में हम कितना बना लेंगे, है ना, और प्रत्येक क्लास में एक घंटी है, तो फिर नहीं हो पाता वहाँ पर। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते हैं कि जो जो बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं उनको हम पूरा लास्ट तक उनको सहयोग करते हैं और वो उनको प्रेरित करते हैं, है ना। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी में कला टीचर भी हैं, है ना, हमारे साथ ही हमारे सहयोगी बने हुए हैं, तो जिनकी रुचि है उनको लाभ मिला है। सर, हमारे स्कूल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भवान में काफ़ी गर्मा टीचर हैं, मैंने कई बार वीडियो में भी दिखाया है सर। जो मॉर्निंग टू टिल छुट्टी तक जो भी होते हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं सारी सर के द्वारा वहाँ पे संपादित की जाती है, इसलिए स्कूल में भी थोड़ा टाइम इतना नहीं मिल पाता है। लेकिन छुट्टियों में भी इन्होंने समय का इतना सदुपयोग किया हुआ है, तो शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो इस तरीके से समय का सदुपयोग कर पा रहे होंगे। तो इसके लिए लगन चाहिए और लगन के साथ आपका शौक भी होना चाहिए। तो सर ने कहा कि बचपन से ही उनका शौक था और अपने शौक को ही इन्होंने अपने प्रोफेशन भी बनाया, तो शौक अगर प्रोफेशन बन जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है। तो सर, जैसे आपने ये ड्राइंग इतनी सारी बनाई है, तो इनका आगे कुछ है आपका प्रोग्राम, क्या करना है? आगे सर अभी कुछ नहीं, जब तक नौकरी है तब तक तो नौकरी है, लेकिन ये है कि अगर हम लगातार इसमें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनती रहेगी, और जब काफ़ी कलेक्शन जाएगा तो कहीं भी कोई हमें बुलाएगा एग्जीबिशन के, जैसे हम ठतुड़ गए थे या उत्तराखंड के किसी भी जिले में या कहीं भी जिला प्रशासन के द्वारा या किसी जो जो स्वरोदोत्सव कार्यक्रम होते हैं जो कोई समितियां करती है, जैसे ठतुड़ में है ना, ऐसे टिहरी में है, चमोली में है, पौड़ी में, तो मैं चाहूँगा कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मैं अपनी एग्जीबिशन लगाऊँ, जहाँ भी कोई कार्यक्रम हो जी, बिल्कुल और मैं अच्छा। वहाँ मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए लगाने की तो मैं लगाऊंगा, और उससे क्या होगा कि मुझे हर जगह घूमने का मौका मिलेगा और हर जगह मुझे कुछ देखने के लिए अलग नया मिलेगा, तो वहाँ भी वहाँ से भी कुछ सीख के आऊँगा। और मेरा ऐसा कुछ व्यावसायिक उद्देश्य तो नहीं है कि मैं इसे कुछ कमा पाऊँ, क्योंकि ये महंगा कार्य है और इसमें जो है ये लगता है मुझे कि इतना कमाने वाली बात नहीं है, खाली ये है कि अपना शौक पूरा हो जाएगा और ये थोड़ा सा हमारे जो मंदिर हैं और हमारे तीर्थ स्थल है इनका प्रचार प्रसार हो जाएगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सर, जैसे आप ये ड्राइंग बना रहे हैं ना, तो इसके लिए कुछ मतलब आपने सोचा पहले? जैसे और भी लोग होते हैं जैसे घर में नहीं बनाते, तो आपके क्या मन में आता है कि मैं घर में ये ड्राइंग करूं? घर में ये सर, घर में थोड़ा सा शांति का माहौल होता है अपना, ये कमरे में बैठ गए आप, अपना बोर्ड निकाला आपने और दिमाग में रहता है कि भाई ये बनाना, तो मुझे इसमें थकान बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि ये इसमें ये होता है कि ये हम जब जो भी काम हम करते हैं तो अगर हम शौक से कर रहे हैं उसको, है ना, और अगर हम उसको कोई लाभ हानि से कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वो, अगर हमें शौक से कर रहे हैं तो काम अच्छा होता है और उसमें ऐसे कोई दिमाग में बात रहती नहीं, 4-5 घंटे का तो पता नहीं चलता कब निकल गए। तो ये इसमें ये है कि हमारे घर वालों को भी सही हो गया कि भाई वो हमें इतना टाइम दे रहे हैं कि चलो आप बैठे रहो उस मत करें, तो कई बार संडे में क्या होता है कि घर परिवार के लोग बोलते हैं ये काम करो वो काम करो, बाजार से सामान लाओ वो सामान लाओ, तो इसी से हमें थोड़ा मुक्ति मिली है। तो हम घर बैठे हैं तो हमें कोई ज़्यादा छेड़ा नहीं, हमें करता नहीं, हम बैठे हैं तो हमें पता है कि ये बैठेंगे तो 4-5 घंटे से पहले उठेंगे नहीं। तो सर, एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे आपने ये अलग अलग प्रकार की यहाँ पे ड्राइंग्स बनाई हैं, तो जैसे आप ये अभी इस पे काम कर रहे हैं, मैं जब ध्यान अभी अभी आप इस पे काम कर रहे हो, तो सब्जेक्ट कैसे आपके दिमाग में होता है कि मुझे आज क्या तो करना है? पहाड़ों में तो ऐसा ना कि पहाड़ प्रत्येक जब आप प्लेन्स में जाएंगे आपको एक जैसा दिखाई देगा, एक जैसा आपका भी। मैं तो 14-15 स्टेट घुमा हूँ, तो मुझे जो है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में थोड़ा लगता है कि वहाँ अच्छे से व्यू है, आप कहीं भी किसी भी छत में जाके बहुत कुछ देख सकते हो, और अगर आप देहरादून में किसी छत में देखें तो आपको सारे घर ही घर दिखाई देंगे, तो कहीं कोई व्यू नहीं है ना। तो पहाड़ में क्या है कि इतने झरने, इतने तालाब, इतने पानी की नदियाँ, बहुत कुछ सब्जेक्ट है, इतना सब्जेक्ट है कि हमें मतलब टेंशन ही नहीं होती कि क्या क्या करना है। कहीं भी हम कोई फोटो क्लिक करके ले आते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आई, हमने एंगल बनाया, फोटो खींचे, उसके बाद घर बैठ के अपना बना रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे कहीं ये फोटो दिखी तो मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया, और मुझे लग रहा है कि मतलब अच्छा है कि हिमालय और बर्फ और ये सब मुझे बहुत पसंद है, और उसके बाद वहाँ से पानी निकल रहा है, बड़े बड़े पत्थर हैं और पानी का जो कलर है इतना साफ सुथरा कि मतलब यहाँ फिल्टर लगा के भी उतना पानी साफ नहीं हो जाता, तो वहाँ कहीं पर भी आप पानी पी लो, तो ये है मतलब स्वर्ग में रह रहे सर हम लोग, है ना। बस ये तो दौड़ा भागी है, तो देहरादून भी आ गए, नहीं तो अभी हमारा मन जो है पहाड़ के लिए ही बना हुआ, और अब भविष्य में भी हमें कोशिश करेंगे हम अधिक से अधिक पहाड़ के ऊंचाई वाले स्थान पर जाएँ, चमोली जाएँ, है ना, और बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास की जो पहाड़ियाँ जो छुपी हुई हैं, जहाँ रोड नहीं है, पैदल है, ट्रेकिंग का रास्ता है
हमने यंग एज में भी बहुत ट्रैकिंग की है ना। हम वहाँ आप ट्रैक भी गए? ट्रैकिंग भी गया सर मैं 25-30 साल पहले। मैंने एक दिन पहले भी आपसे चर्चा की थी कि गंगोत्री से जो केदारताल के लिए 18 किलोमीटर की स्टेट चढ़ाई है वहाँ हम जा रखे हैं। 2 दिन का हमने वहाँ पर कैंप लगाया। हमारे साथ एक हमारे साथी हैं रविंदर पंवार जी, वो फोटोग्राफी के बहुत शौकीन थे है ना, बहुत एक्सपर्ट है फोटोग्राफी की। ये वाली भी फोटो उन्होंने खींची थी है ना, तो उसके साथ साथ जो है वो फिर फोटो खींचते थे और हम उस समय भी शौक था हमारे पास, लेकिन हमें उस समय जानकारी नहीं थी कि ये कलर कहाँ से मिलेंगे, ये कैनवस कहाँ से मिलेंगे, इतनी ज़्यादा मार्केट की जानकारी नहीं थी। लेकिन जो स्कूल में सिखाया गया था उसी तक सीमित थे। बाद में हमने थोड़ा सा किताबों के माध्यम से और अपना जो है आजकल फ़ोन के माध्यम से भी हमने कुछ सीखने की नेक सीखने की कोशिश की। हमारे टाइम पे ये कलर ही नहीं होते थे है ना, दूसरे ढंग के कलर होते थे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सीखते सीखते और फिर वो ट्रैकिंग करते करते जब हम पहली बार गंगोत्री गए और बद्रीनाथ गए तो हमने कहा भाई हम सोचते थे कि हम पहाड़ में रह रहे हैं, यहाँ तो पहाड़ के भी पहाड़ है, जहाँ आदमी यूँ दिखेगा तो टोपी गिर जाएगी, जितनी ऊँचे ऊँचे पहाड़ है गंगोत्री में और केदारनाथ में बद्रीनाथ में, ऐसे ऐसे झरने हम बोलते थे केएमटी फॉल, क्या केएमटी फॉल है, वहाँ तो हर जगह पे केएमटी फॉल है। अगर आप वहाँ गंगोत्री में जाएंगे तो हर जगह से झरने गिर रहे हैं, आप वहाँ से चमोली में चले जाएंगे गोपेश्वर के आगे चले जाएंगे, हर जगह से पानी के झरने गिर रहे हैं, हर जगह व्यू है, हर जगह से हिमालय दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई चोट दिखाई दे रही है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने साफ करके चमका रखी हो चोटी, तो अच्छा लगता है। ये जो है ना प्रकृति जो है हमें बहुत सुंदर लगती है, तो वही हमारे दिमाग में आता है कि अब फिर हम उत्साहित जाते हैं कि बस हमें इसकी पेंटिंग बना। सर अभी तक कितनी बना ली, कुछ आइडिया आपको कितनी तक बना ली? मैं सर ऐसा करता हूँ कि जैसे बना देता हूँ, कई बार कोई हमारे साथ ही आ गए है ना, किसी का रिटायरमेंट है, किसी का कुछ घर बना दिया किसी ने, तो हम सोचते हैं बाजार से क्या गिफ्ट लेना, अपनी पेंटिंग उठा और दे दो जी, वो तो और खुश हो जाता होगा, खुश होते हैं और हमारे लिए थोड़ा सस्ता बैठ जाता है कि बाजार जाएंगे तो लेना पड़ेगा गिफ्ट, और ये हमारी उसको यादगार बात है हमेशा के लिए कि भाई नोटियाल जी ने पेंटिंग दी है। तो कई बार हमारे साथी लोग जब हमें बुलाते हैं तो उसको हम कोशिश करते हैं कि अपनी पेंटिंग गिफ्ट दें। तो सर ने भी क्लियर कर दिया, उस जो पेंटिंग थी ऊपर लगी हुई है और उन पेंटिंग्स में और इन पेंटिंग्स में क्या डिफरेंस है, और सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं, और भविष्य की योजना सर ने बताई है कि भविष्य में अगर कहीं मेले होते हैं, हमारे जितने भी विकास प्रदर्शनियाँ लगती हैं, तो सर ने अपनी फ्यूचर की योजनाएं भी बता दी हैं। तो आशा है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, आप निरंतर अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको भी सर, आपको भी, आप आए और आपने समय दिया, और बस कभी और दिन होगा तो परिवार के साथ आना, तो अच्छा लगेगा जी, बिल्कुल जी, और बच्चे आएंगे तो थोड़ा सा बच्चों से मुलाकात हो जाएगी जी, तो अच्छा लगता है जब अपने साथ के लोग आते हैं घर पे, और आपने सरप्राइज किया कि आप अचानक आए, और उसके बाद फिर मैं भी अपने काम पे लगा हुआ था तो मुलाकात हो गई, गप सप हो गई, वैसे तो हम रोज साथ ही रहते हैं जी, तो आज संडे है और छुट्टी है, तो इसका अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने दिखाया आपको सर का कार्य, मैं अचानक यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैं भी सरप्राइज हो गया कि सर इतना निरंतर इतना कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। पटेल जी ने अपने भतीजे को भी ड्राइंग के लिए देख सकते हैं तैयार कर लिया है, चेयर में बैठ गया और ड्राइंग की बारीकियों को सीख रहा है अपने ताऊ जी के साथ। है आपको अच्छी लगती है ड्राइंग, आप भी करना चाहोगे? तो ये देख सकते हैं आप, ये भी बैठ रखा है इन स्टैंड में, चेयर में बैठ रखा है और जो पेंटिंग की बारीकियां हैं उनको सीख रहा है। तो इसके साथ ही आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको एक नई डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।